ऑफ फ्लेक्स फ्यूल इंजन, मतलब ऐसा इंजन जो पेट्रोल के अलावा और भी ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पे प्रॉपरली फंक्शन कर सकता है। यहाँ एक तरफ इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आखिर करना क्या चाहते हो? इथेनॉल का ऑक्टेन कुछ 106 से 109 के बीच में वेरी करता है। 2021 खत्म ही होने वाला था कि लास्ट मोमेंट पर हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने ये फैसला लिया कि अगले 6 महीनों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स मैंडेटरी हो जाएंगे नए व्हीकल्स के लिए। सो माय नेम इज पूर्वांग मंत्री, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स है क्या। रोल द इंट्रो। फ्लेक्स फ्यूल, वेल ये वाला फ्लेक्स नहीं, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्स का मतलब फ्लेक्सिबल होता है। सो फ्लेक्स फ्यूल इज फ्लेक्सिबल फ्यूल। और फ्लेक्स फ्यूल इंजन मतलब ऐसा इंजन जो पेट्रोल के अलावा और भी ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पे प्रॉपरली फंक्शन कर सकता है। और यहाँ पे हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी के पेट्रोल इंजन्स सीएनजी पे भी वर्क कर सकते हैं, so does those engines count as flex fuel engines? No god, jo petrol engine cng ya fir lpg pe run kar sakta hai wo flex fuel engine nahi hai. kyun? because is condition mein petrol aur cng ya fir lpg ko do alag alag tanks mein store kiya jata hai aur jaisi zarurat ho us hisab se engine ya to sirf petrol pe chalega ya fir wo sirf cng aur lpg pe chalega. wo engine dono fuel pe simultaneously nahi chal sakta, matlab petrol aur cng ya fir lpg ko ek sath milakar ek single fuel banakar use abhi ke engine mein hum nahi chala sakte. is type ke engine ko bi fuel engine kaha jata hai. lekin jo engine ek sath do fuel ke combination pe chal sakta hai usse flex fuel engine kaha jata hai. flex fuel engine कोई एक फ्यूल पे भी चल सकता है, मतलब आइदर 100% पेट्रोल और एल्स 100% इथेनॉल। अलसो पेट्रोल और इथेनॉल के मिक्सचर में यानी कि कॉम्बिनेशन पे भी ये फ्लेक्स फ्यूल इंजन चल सकता है, लाइक 50-50 रेशियो, जहां पे 50% पेट्रोल की क्वांटिटी होगी और 50% इथेनॉल। इस तरह के कॉम्बिनेशन में भी वो फ्लेक्स फ्यूल इंजन चल सकता है। और एल्स 20-80 का रेशियो, जहां 20% पेट्रोल हो और 80% इथेनॉल, ऐसे कॉम्बिनेशन पे भी फ्लेक्स फ्यूल इंजन चल सकता है। ऐसे अलग अलग रेशियोस पे फ्लेक्स फ्यूल इंजन बिना किसी दिक्कत के चल सकता है। फ्लेक्स फ्यूल इंजन को चलाने के लिए हमें पेट्रोल और इथेनॉल को दो सेपरेट टैंक्स में स्टोर करने की जरूरत नहीं, एक ही टैंक में दोनों फ्यूल को साथ में स्टोर किया जा सकता है। सीएनजी की तरह जहां पेट्रोल और सीएनजी को दो अलग अलग टैंक्स में स्टोर करके हम अपने गाड़ी का बूट स्पेस का त्याग दे देते हैं, ऐसी दिक्कत फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले व्हीकल्स में नहीं होने वाली। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अचानक से इथेनॉल पे इतना सारा फोकस क्यों किया जा रहा है। सो लास्ट ईयर मैंने इस वीडियो में इथेनॉल के बहुत सारे एडवांटेजेस बताए थे, सो इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो येट देन क्लिक हियर एंड वॉच इट। इथेनॉल के कुछ एडवांटेजेस ऐसे हैं कि पहले तो वो शुगर केन में से बनाया जाता है, मतलब शुगर केन में से जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइक शुगर एंड जैगरी मतलब गुड़, इनके प्रोसेस में जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट में से इथेनॉल बनाया जाता है। अब मुझे इस प्रोसेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप में से कोई शुगर केन इंडस्ट्री से बिलोंग करता हो देन प्लीज फील फ्री टू करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एडिंग टू दिस, इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर पेट्रोल से ज्यादा होता है, मतलब अगर हम हाई ऑक्टेन पेट्रोल की बात करें तो लास्ट ईयर इंडियन ऑयल ने XP100 लॉन्च किया था, जिसका क्लेम किया था कि वो 100 ऑक्टेन फ्यूल है। लेकिन अगर हम इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल का ऑक्टेन कुछ 106 से 109 के बीच में वेरी करता है। अब मैंने इस वीडियो में बताया था दैट ऑक्टेन नंबर इज द रेशियो ऑफ आइसो ऑक्टेन टू हेप्टेन, मतलब 90 ऑक्टेन रेटिंग वाले पेट्रोल में 90% आइसो ऑक्टेन होता है और 10% हेप्टेन होता है, बराबर। लेकिन जब मैंने इथेनॉल के ऑक्टेन नंबर के बारे में पढ़ा दैट इट रेंजेस बिटवीन 106 टू 109, आई वॉज लाइक से व्हाट? सो मेरे ऑक्टेन नंबर के फंडामेंटल के हिसाब से ये तो मेरे दिमाग के बाहर जा रहा है बिकॉज मेरी केमिस्ट्री कच्ची है। लेकिन इतना हाई ऑक्टेन होना मतलब इथेनॉल हाईली कंप्रेस हो सकता है विदाउट सेल्फ इग्नाइटिंग, मतलब अगर किसी फ्यूल को हम हद बाहर कंप्रेस करते दबा दे तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि वो बिना किसी स्पार्क के इग्नाइट हो जाएगा, जल जाएगा। अब इथेनॉल का इतना हाई ऑक्टेन नंबर होना मतलब हम इथेनॉल को हाई कंप्रेशन रेशियो वाले इंजिन में इजिली यूज कर सकते हैं, लाइक डुकाटी और ट्रायम्फ के हाई स्पीड इंजिन में जिसका जिनका कंप्रेशन रेशियो 12:1 से 15:1 के बीच में वेरी करता है,
उनमें भी हम इजीली इथेनॉल यूज कर सकते हैं। अगर आप जाके रेस फ्यूल के बारे में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा रेस इंजिन में मोस्टली नैस्कार में इथेनॉल ही यूज होता है E85। अब हायर कंप्रेशन रेशियो वाले इंजिन्स में, मतलब हम फोर्स इंडक्शन इंजिन्स में भी इथेनॉल को इजीली यूज कर सकते हैं। इफ यू डोंट नो व्हाट फोर्स इंडक्शन इंजिन्स आर, देन क्लिक हियर एंड वॉच दैट वीडियो। सो फोर्स इंडक्शन इंजिन्स मतलब मैन्युफैक्चरर्स आसानी से टर्बोचार्जर्स और सुपरचार्जर्स को यूज कर सकते हैं बिना नॉकिंग, डिटोनेशन या फिर प्री इग्निशन की फिक्र किए। और फोर्स इंडक्शन के कारण कम सीसी के इंजिन में से ज्यादा पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे इथेनॉल की मदद से। और इतना सब कुछ करने के बाद भी CO2 एमिशन बहुत ही कम रहेगा। Ain't that amazing? अब अगर आपने मेरा XP100 वाला वीडियो देखा होगा, then you know कि हमारे अभी के पेट्रोल में भी इथेनॉल का थोड़ा बहुत कंटेंट होता है। Yes, you heard that right. Now before moving ahead, if you are new to this channel, then listen to this guy. Do it. Okay? और सब्सक्राइब करो। Do it. अब नेक्स्ट वीक में मतलब 18th को, मतलब आज से 5 दिन के बाद मेरी बर्थडे है, तो भाई सब्सक्राइब करो और ये चैनल को 900 सब्स पे पहुंचा दो एज अ गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम योर साइड। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं हर नए वीडियो का अपडेट और स्नीक पीक मैं पहले इंस्टाग्राम पे देता हूँ। सो इफ यू वॉन्ट टू स्टे अपडेटेड विद माई अपकमिंग वीडियो, यू बेटर फॉलो मी इंस्टाग्राम। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं जवाब देता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ। Now let's get back to the video. अब currently हमारे गाड़ियों के engines में जो petrol use किया जाता है उसमें 10-15% ethanol already present होता है। Yes, अभी के petrol में 10-15% ethanol already mix किया होता है जो हमारे गाड़ियों के engines को run कर रहा है। लेकिन हमारे अभी के engines 100% ethanol के लिए नहीं बने हैं। Because इथेनॉल के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स वेरी करते हैं, लाइक एयर फ्यूल रेशियो, स्पार्क टाइमिंग, वॉल टाइमिंग एक्सेट्रा। और फ्लेक्स फ्यूल इंजिन्स को इन सारे वेरिएबल्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इवन बॉश का फ्लेक्स फ्यूल इंजिन्स के लिए फ्यूल सिस्टम रेडी है, सो मैन्युफैक्चरर्स वोंट स्ट्रगल टू मेक फ्लेक्स फ्यूल इंजिन्स इन 6 months। सेकेंडली, हमारे एक सब्सक्राइबर ने पिछले 2-3 वीक पहले मुझे एक न्यूज दी थी दैट पुणे में इथेनॉल फ्यूलिंग पंप्स लग चुके हैं और इथेनॉल 76 रुपीज पर लीटर के रेट से ऑलरेडी बिकना शुरू हो गया है। और अगर इस प्राइस को हम इक्विवेलेंट पेट्रोल के साथ कंपेयर करें बेस्ड ऑन ऑक्टेन नंबर, देन पेट्रोल का प्राइस कुछ ₹170 या फिर उससे ज्यादा होगा, बिकॉज पेट्रोल का 100 ऑक्टेन रेटिंग और इथेनॉल का 100 ऑक्टेन रेटिंग, भाई साहब बहुत डिफरेंस है यहाँ पर। सेकेंडली, अनदर सब्सक्राइबर शेयर द न्यूज अबाउट द TVS अपाचे RTR E100। नागपुर में TVS ने अपने अपाचे RTR 204V E100 को टेस्ट करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब समझे निर्दया? दिस मीन्स TVS इज गोइंग टू लॉन्च देयर अपाचे E100 सून। और इसी तरह बहुत सारे व्हीकल्स आने वाले हैं फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। लेकिन मुझे एक बात बहुत खटक रही है, यहाँ एक तरफ इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आखिर करना क्या चाहते हो? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने USA और जापान जैसी कंट्रीज से इंस्पिरेशन लिया है। यू सी, USA और जापान में गाड़ियां सिर्फ एक फ्यूल पर नहीं चलती, मतलब सिर्फ पेट्रोल या फिर सिर्फ डीजल पे गाड़ियां नहीं चलती, वहां प्राइवेट और पैसेंजर व्हीकल्स के लिए फ्यूल की वैरायटी दी जाती है। यू कैन फाइंड कार्स रनिंग ऑन हाइड्रोजन, आइदर फ्यूल सेल कार्स और IC इंजन पावर्ड हाइड्रोजन व्हीकल्स। प्लस वहां पे 100% इथेनॉल पे भी गाड़ियां चलती है और पेट्रोल वाली तो है ही, लेकिन वहां पे डीजल सब गाड़ियों के लिए नहीं होता, वहां डीजल सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स के लिए होता है, लाइक सेमी ट्रक्स एंड बसेस एंड बड़े ट्रक्स, हैचबैक, सेडान और बहुत सारे SUVs के लिए वहां पे डीजल बैन है। मतलब मैन्युफैक्चरर्स ऐसे गाड़ियों के लिए डीजल वेरिएंट ही नहीं बनाते वहां पर। अगर इंडिया में डीजल बैन किया जाए तो पोल्यूशन तो ऐसे कम किया जा सकता है। आई एक्चुअली मेड अ वीडियो अबाउट व्हाई डीजल शुड बी बैन्ड इन इंडिया, गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो। और अगर आप हार्डकोर डीजल लवर हो देन फील फ्री टू रैंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दैट वीडियो। और बाय द वे, पुराने पेट्रोल और डीजल पावर्ड व्हीकल्स बंद नहीं होने वाले, ऐसा नहीं कर सकते वो, वरना बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, तो उसकी चिंता नहीं करना आप। सो अगर अगले 6 महीनों में फ्लेक्स फ्यूल इंजिन्स आ गए, मतलब नेक्स्ट 2 ईयर्स में हमारे पास बाइक, स्कूटर्स और कार्स में इतने सारे वेराइटी मिलेंगी कि कंफ्यूज हो जाओगे, बट दैट्स गुड राइट, हैविंग दीज मेनी ऑप्शंस। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लीव योर क्वेरीज एंड सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Make sure to hit the like button if you like this video, or hit the dislike button if you didn't like this video. Don't forget to subscribe to my channel because
वी आर एमिंग टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड फाइनली वेयर योर हेलमेट व्हाइल राइडिंग, सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग. दिस इज पुरवांगमती साइनिंग ऑफ. सी यू ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स हु आर इनटू ऑटोमोबाइल्स और इंजीनियरिंग और इनटू व्हीकल्स. पीस. कंटेंट होता है, कंटेंट होता है, कंटेंट. इज इट कंटेंट और इज इट कंटेंट? हर बार भूल जाता हूँ मैं, हर बार. कंटेंट. Secondly, another subscriber shared the news about the TVS's Apache RTR E100. 200, 4V वाला E100. Twister हो रहा है यार. Hey, कैसा ही है? Hey.